उन दो मेन उद्देश्यों को लेके शहीद भगत सिंह ब्रिगेड भी चाहे दुष्यंत सैनी भी उनके साथी, हमारे सबका एक मकसद है कि हमारा देश एक तो स्वस्थ रहे। स्वस्थ कैसे रहेगा अगर कोई खेल खेलेगा शारीरिक रूप से, और एक मानसिक रूप से भी रहे इन शहीदों को याद करके। एक बहुत अच्छा प्रयास किया जाता है इस टूर्नामेंट के द्वारा कि ये आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, इन बच्चों ने आने वाला देश बनाना है, ये जान सके कि शहीद भगत सिंह जी कौन थे, हम लोग कैसे आजाद हुए हैं। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन यादविंदर सिंह सिंधु ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि शहीद भगत सिंह के नाम पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को यह जानने का मौका मिलता है कि शहीदों के बदौलत ही हमें आज़ादी मिली है। शहीद भगत सिंह जी ने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। खेलों से ही भारत स्वस्थ रहेगा, जब भारत स्वस्थ रहेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड और शीतो राय कराटे स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया मिलकर युवाओं में जागृति फैलाने का कार्य कर रहे हैं। खेल को बढ़ावा देने के लिए भी हरियाणा युवा आयोग की तरफ से सार्थक प्रयास किए जाएंगे। खिलाड़ियों को शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई नहीं जानता था कि अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन शहीद भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत से भगाकर दिखा दिया। खिलाड़ी शहीदों से सीख लें कि कभी भी जीवन में हारे नहीं, बल्कि जोश के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। चेयरमैन यादविंदर सिंह सिंधु ने कहा कि हरियाणा युवा आयोग युवाओं के हित को लेकर कार्य करेगा। युवाओं को एक मंच प्रदान किया जाएगा। आयोग युवाओं को अपने साथ जोड़ने का कार्य करेगा। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में टीम गठित की जाएगी। देखिए, ये प्रतियोगिता आज पांचवी बार करी जा रही है, 5 साल से इसका आयोजन किया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छा और सुनहरा अवसर रहता है जो कराटे जो हमारे देश में जो सपोर्ट्स है उसके बच्चों के लिए एक मंच प्रोवाइड किया जाता है जिसमें वो आके अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। और जो हमारे भगत सिंह जी हैं उनको इस आने वाली पीढ़ी के साथ नाता जोड़ा जाता है, उनके नाम से ही आयोजन किया जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें हर उम्र के बच्चे आते हैं, काफ़ी छोटे भी हैं, तो जब वो आते हैं कि भाई शहीद भगत सिंह टूर्नामेंट है या शहीद भगत सिंह कप है, तो पूछते हैं अपने माता पिता से भाई शहीद भगत सिंह कौन थे या इनके नाम पे क्यों हो रहा है। तो ये भी एक जरिया है उन शहीदों के साथ आने वाली पीढ़ी को जोड़ने का, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह के टूर्नामेंट में आने का, जब अवसर मिलता है ऐसी युवा प्रतिभा को देखने का, जब मौका मिलता है। तो हरियाणा युवा आयोग के आप चेयरमैन भी बनाए गए, सरकार ने विशेष उपलब्धि आपको दी है, तो इसकी क्या उपलब्धि रहेगी, क्या प्रक्रिया रहेगी, आपका क्या मिशन रहेगा? देखिए, हरियाणा युवा आयोग का जो मिशन है उसमें जो युवा है हमारे देश के यूथ हैं उनकी डेवलपमेंट में काम करना है। और देखिए, युवा जो है हर जगह है, युवा खिलाड़ी भी है, जैसे आज भी यहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं, युवा किसान भी है, युवा बिजनेसमैन भी है, कलाकार भी है, तो उन सब युवाओं के लिए जो उचित अवसर हो सकते हैं उनको प्रोवाइड करना, कहीं पर वो किसी अभाव से रुक जाते उसको दुरुस्त करना, उसको ठीक करना, इस आयोग का यही काम है। यानी यूथ को डेवलप करना, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रखना और मानसिक रूप से भी। मानसिक रूप से यानी इन शहीदों का परिचय उनसे कराना, देश के प्रति उनकी भावना जगाना, क्योंकि आजकल कई बार बहुत हो गया कि भगत सिंह तो हो भाई पड़ोसी के घर पे हो, उस बात को तोड़ने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है कि भाई हर नौजवान का है कि मैं बनूंगा भगत सिंह, जिसके ऊपर हम लोग कई प्रोग्राम भी शुरू करने वाले हैं अभी हफ्ते के बाद, मैं बनूंगा भगत सिंह या मैं हूँ आज़ाद, ऐसे करके इस तरह के भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे ताकि देशभक्ति की भावना इन पीढ़ी के साथ जगा सके। आयोग से किस तरह से युवाओं को जोड़ेंगे आप? आयोग से बस जैसे मैंने बताया कि युवा हर वर्ग में है, हर वर्ग में जाकर उनकी समस्याओं को दुरुस्त किया जाएगा, सरकार की जो नीतियाँ उनके लिए बनाई गई हैं उनसे उनको कई बार देखिए कई बार पता भी नहीं चल पाता, खास तौर के हमारे जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे उनको पता नहीं चल पाता कि भाई सरकार ने क्या स्कीम लाई है यूथ के लिए, तो उस स्कीम के साथ उनको जोड़ना ये भी प्रयास रहेगा, चाहे इसके लिए गाँव में जाना पड़े। इसलिए हम लोगों ने सोचा भी हुआ है, क्योंकि अभी इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हम लोग क्लब्स बनाएंगे गाँव के अंदर, हर जगह में जैसे 15 से 20 समूह बच्चे लेके हर गांव से यूथ को लेके हमको लेके वहाँ पे क्लब्स भी बनाए जाएंगे ताकि वहाँ की क्या समस्या है वो लोग उसको बताएं, चाहे नशा है नशा को दूर कराना है, क्योंकि एक जवानी हमारी नशों में भी दूर, खासतौर की सिरसा वाली साइड जो है वहाँ पे नशा बहुत चल रहा है, तो उसको भी ठीक करना है।